थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हेलो माई डियर लवली हैप्पीनेस फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस लव टाइम एंड रिस्पेक्ट. फ्रेंड्स, आई हर्टली वैल्यू लॉट योर ऑल ब्लेसिंग्स ऑल प्रेयर्स दैट यू ऑलवेज शावर ऑन माई हैप्पी यूनिवर्स. थैंक यू सो मच बींग अ मेम्बर ऑफ एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ अवर हैप्पी यूनिवर्सल फैमिली. सो यू नो मी वेरी वेल एक्चुअली हु इज़ अ माई. आई एम शालिनी, आई एम अ टीचर ऑलवेज हियर टू मेक यू सो वेरी स्पेशल एंड सो वेरी ब्लेस्ड इन योर ऑन चैनल My Happy Universe. And today's Thursday special video related to your study. So let's know what we have discussed till now. Friends, we have discussed with the thank you. Next, friends, we have discussed with our all the courses regarding the nursing. Next, we have discussed with the first, second, and today is the third unit of anatomy and physiology. So let's start. Unit number third. Unit number teen. ठीक है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स. ये एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको पहले ही बताया है सिलेबस में, अलग अलग तरह से जो है ये दिया गया है सिलेबस. तो बुक्स में सम टाइम क्या होता है, ये मिक्स दिया गया होता है. तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको अलग करके पढ़ेंगे या कैसे भी करेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें जो गाइडलाइंस हमें एक्चुअल में मिली हैं. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके 7 आवर्स मिले हैं. ठीक है, तो मतलब 7 लेक्चर्स. अब यहाँ पे मैंने इसका सिलेबस लिखा है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, और फ्यूचर में तो इसकी ज़रूरत होगी ही होगी. सो टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स, मतलब कि एक्चुअली में मसल्स हैं क्या, मसल्स की टाइप्स क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका आकार, वो किस तरह से बनती हैं. नेक्स्ट फ्रेंड्स, मसल ग्रुप्स. मसल ग्रुप्स से ये सिलेबस में आपको मेंशन नहीं किया गया. मसल ग्रुप्स मतलब कि हमारी जो मसल्स, मसल्स मतलब कि मांसपेशियां, हमारा जो भी मांस होता है उसको हम मसल्स कहते हैं, मांसपेशियां, जहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं. एग्जांपल जैसे कि हमारे फेस के ऊपर ये जितनी भी हमारी स्किन है, ये सारी क्या है, ये मसल्स हैं. उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी आपके चेस्ट के ऊपर, आपके शोल्डर पे आप बाइसेप्स बनाते हो, ट्राइसेप्स बनाते हो, आपके पेल्विक पे, जहाँ पे हमारी बॉडी पे जितने भी जो मांस है वो मसल्स, वो मांसपेशियाँ, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के साथ जो भी मांस अटैच है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जगह पे, वो जो भी मांस होगा हम उसको मसल ग्रुप में ऐड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेंड, डिजीज़ कंडीशन. ये अलग अलग तरह की बीमारियां जो मसल से रिलेटेड हो जाती हैं, वो आप डिजीज़ कंडीशंस में लास्ट के पेज में दी गई होती है. तो मोस्टली हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये नहीं इतना बताते, सिर्फ ओवरव्यू ही देते हैं, बट उनको ये भी पढ़ना ज़रूरी है. सेकेंड ईयर बीएससी में जब आप जाते हैं तब आप ज़्यादा डिटेल में डिजीज़ कंडीशंस को पढ़ते हैं. ठीक है. तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी भी ज़रूर बताऊँगी और समराइज वे में भी बताएँगे कि एक्चुअली में मसल्स हैं क्या और मसल्स बनते किससे हैं. तो करते हैं स्टार्ट. ठीक है, मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँगी. मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम मतलब कि मांसपेशियों का सिस्टम, मांसपेशियों का एक आकार जो हमारे शरीर में, जैसे मैंने आपको बताया स्केलेटल सिस्टम इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन, तो वैसे ही ये मांसपेशियों का एक आकार होगा हमारे बोन्स के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है. ये एक स्पेशलाइज सेल्स से बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर. मसल फाइबर्स क्या होते हैं ये भी आप देख सकते हैं, जो क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में होते हैं जो कि हमारे एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं. वो एक प्रोटोटाइप जो है, वो एक प्रोटीन है जो स्प्लिट होकर ATP की फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसमें मायोसिन और एक्टिन बनता है. ये आगे आपको बताती हूँ, तो आपको इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए. मैं फिर से बता रही हूँ कि जो मसल्स है वो बने होते हैं मसल फाइबर से, और हमें यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में मसल्स का हमारी बॉडी में फंक्शन है क्या. मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल बताऊंगी और मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप पढ़ें तो ज़रूर अपने माइंड को ऑक्सीजन देने के लिए अपने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज़रूर करें. ठीक है फ्रेंड्स. तो अगर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने जैसे मान लीजिए ब्रीदिंग की, तो फ्रेंड्स मतलब मेरे जो लंग्स हैं, मतलब एल्वोलाइज, हम जानते हैं कि वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है हमारा जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. तो जब मैंने ऐसे किया तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुई. तो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि खिंचाव. जब मैंने सांस छोड़ दी तो रिलैक्स. तो मसल्स का एक्चुअली में काम क्या होता है, मसल्स काम करती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. अब एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्शन
रिलैक्सेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, हम जितनी भी ओवरऑल कंक्लूजनली अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जो कुछ भी होता है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स में हो, चाहे वो फिर बाहर हो, वो सब कुछ मसल्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल, हम अलग अलग बॉडी साइज़ के लोगों को देखते हैं, कोई बहुत पतला होता है, कोई बहुत मोटा होता है। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइंटिफिकली और बुकिश के अकॉर्डिंग, और जो भी हम देखते हैं तो वो क्या है, वो जिस बंदे के अंदर जितने ज़्यादा हाई मसल फाइबर्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा ओबीज होगा। और आप देखते हैं एग्जाम्पल, जिम में आप जाते हैं, आप अपने बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, तो वो क्यों होती हैं, हमारे मसल्स को हम ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और उसी से के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट्स कर करके, मूवमेंट्स को करते हैं, हम वेट उठाते हैं, तो वो सारा ही फंक्शन क्या है, हमारी मसल्स का मूवमेंट करना। और आपको बता दूं कि जो मसल्स होती हैं ये अलाउ द पर्सन टू स्पीक, अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मेरे फेशियल मसल्स जो हैं वो मेरे बात करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप कुछ खाते भी हैं, हम कुछ च्यू भी करते हैं, कुछ भी आप खाते हो, तो वो मसल्स ही हमारी हेल्प करती हैं और ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। मैंने आपको ब्रीदिंग का तो एग्जाम्पल बता ही दिया कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वो भी क्या है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प होता है मसल्स के थ्रू ही। अब हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे माउथ से होकर, हमारी ओरल कैविटी से होकर, हमारे हमारी थ्रोट कैविटी से होकर, वो विंड पाइप, फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक तक जाता है, स्टमक के बाद फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है मेटाबोलाइज होकर, और वहाँ से हमारा ब्लड जो है वो हमारा जो फूड है वो मेटाबोलाइज होकर ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है। तो वो सारे ही काम किसके थ्रू हो रहे हैं, मसल्स की मूवमेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि एक्चुअली में जो मसल्स हैं वो क्या हैं। ये है फ्रेंड्स मसल फाइबर। मसल फाइबर मैंने आपको बता दिया कि ये एक्टिन एंड मायोसिन उससे ही बने होते हैं, ये इसे प्रोटोटाइप ऑफ एटीपी, ये एक प्रोटोटाइप है जो कि एटीपी स्प्लिट होके एटीपी की फॉर्म में एनर्जी देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक बोन है, बोन से ऊपर आते हैं हमारे टेंडन्स और उसके ऊपर होते हैं हमारे मसल्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपकी मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन है। हो सकता है बहुत सी बुक्स में अलग अलग तरह से पढ़ते होंगे, हर एक बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेंट है। आई होप कि इसमें से भी कुछ गाइडलाइंस आपको ज़रूर मिलेंगी और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर बताऊँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्केलेटन मसल्स। कुछ मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मसल्स कैन बी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो अगला है हमारे, मैंने कहा आपके कि जो मसल्स के ग्रुप्स हैं तो आप इसमें इंपॉर्टेंट मसल्स याद कर लीजिए, मसल्स ऑफ फेस। अब फेस में आगे जैसे आपकी फ्रंटालिस, आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाय और आपकी टेम्पोरालिस, ये जितनी भी जो मसल्स हैं फेस की ये इंपॉर्टेंट हैं। और शोल्डर मसल्स में आप कर सकते हैं डेल्टॉइड मसल्स, ये सारी शोल्डर्स की मसल्स हैं। मसल्स ऑफ बैक, ट्रैपेजियस, ये सारी। उसके बाद फ्रेंड्स पेल्विक में आप बहुत से कर सकते हैं, कोकीजियल जो है, इलियोकोकीजियल, ये जितनी अलग अलग से नेम है, कुछ डिफ़िकल्ट हैं, तो आप इंपॉर्टेंट जो हैं वो अपने फेस की, बैक की, शोल्डर की और अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को ज़रूर ज़रूर याद करें। इनमें से हमेशा ही जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ अवर स्टडी। और फ्रेंड्स आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, इस परिवार में भागीदार रहकर आज नहीं तो कल फ्रेंड्स सेल्फलेस काम हमारे आप सबकी लाइफ में ज़रूर काम आएंगे। और माई हैप्पी यूनिवर्स तो आपकी हर खुशी का ध्यान रखता ही है, क्योंकि हमने कहा टीचिंग इज़ अवर पैशन, टीचिंग इज़ अवर प्रोफेशन। तो प्रोफेशनली भी हम उन स्टूडेंट्स को जो आने के लिए नर्सिंग में या अपने कैरियर को आजमाना चाहते हैं, अगर माई हैप्पी यूनिवर्स की फैमिली में किसी का भी इंटरेस्ट है इस लाइन में आने का, तो नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड टू ग्रो इन द लर्निंग एक्सपीरियंस। मोर एवर यू कैन लर्न अ लॉट विद योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो, बट चॉइस इज़ योर्स वॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर योर सेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड विद माई हैप्पी यूनिवर्स एंड बी अ मोर विजडमफुल विद अस। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।